हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर सेवन की एक्सरसाइज 7.2 के सेकंड क्वेश्चन के ए से लेकर सी पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल एआरटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीईएन। यानी आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल एआरटी और ट्रायंगल PEN आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखिए यहाँ पर हमने दो डायग्राम्स के थ्रू भी आपको ये ट्रायंगल दिखाए हैं। ये है ट्रायंगल ART और यहाँ पर है ट्रायंगल PEN। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। और ए पार्ट में हमसे कहा गया है, इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरिया, यानी कि हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, साइड 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 क्राइटेरिया, देन यू नीड टू शो। तो आपको दिखाना है कि AR साइड कौन सी साइड के इक्वल होगी, RT साइड कौन सी साइड के इक्वल होगी और AT साइड कौन सी साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ट्रायंगल ART की तीन साइड्स गिवन हैं और हमें ट्रायंगल PEN में इन्हीं तीन साइड्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स चेक करनी है। तो यहाँ पर हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं। देखिए AR के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, PE। ठीक है, AR का सीक्वेंस देखिए, पहले दो लेटर AR है, यहाँ पर पहले दो लेटर PE है, तो AR के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, PE। और यहाँ पर हमने आंसर में लिखा है AR इज इक्वल टू PE। और अगर आप यहाँ डायग्राम से चेक करना चाहे तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जो पोजीशन यहाँ AR साइड की है वही पोजीशन यहाँ पर PE साइड की है। तो AR इज इक्वल टू आ जाएगा PE। उसके बाद हमें चेक करना है कि RT के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी। देखिए RT लास्ट के टू लेटर्स है RT, यहाँ पर देखिए लास्ट के टू लेटर्स है EN, यानी कि RT के कोरस्पोंडिंग होगा EN। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा है RT इज इक्वल टू EN। अगर आप चाहें तो यहाँ डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, जो पोजीशन यहाँ पर RT साइड की है वही पोजीशन यहाँ पर EN साइड की है, तो RT इज इक्वल टू EN आएगा। अब हमें चेक करना है स्टूडेंट्स की AT के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी। तो यहाँ पर AT को चेक करते हैं, AT फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर, और यहां पर देखिए फर्स्ट लेटर है P और थर्ड लेटर है N, यानी AT के कोरस्पोंडिंग होगा PN। तो यहां पर देखिए हमने आंसर में लिखा है AT इज इक्वल टू PN। और अगर हम डायग्राम से चेक करें स्टूडेंट्स, तो जो पोजीशन यहाँ AT की है वही पोजीशन यहाँ PN की है, यानी कि AT और PN आपस में कोरस्पोंडिंग है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट्स, हमें ट्रायंगल ART की तीन साइड्स गिवन थी, हमने ट्रायंगल PEN में इन्हीं तीन साइड्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स को चेक किया और उन कोरस्पोंडिंग साइड्स को इन साइड्स के इक्वल रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल की तीन कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हम बी पार्ट को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें भी एक चीज तो पिछले क्वेश्चन जैसी ही है कि हमें ट्रायंगल ART को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल PEN के साथ। और बी पार्ट में हमें दिया गया है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। यहां पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है एंगल T और इस ट्रायंगल का जो एंगल है एंगल N, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरिया। और हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, SAS, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमें यूज करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। यू नीड टू हैव, तो हमें दिखाना है कि RT किसके इक्वल होगी और PN साइड कौन सी साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें RT साइड और PN साइड की कोरस्पोंडिंग साइड को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है RT, हम यहाँ पर देखते हैं RT यहाँ पर दिख रहा है, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर, आपको ये पोजीशन देखनी है। अब यहाँ पर सेम पोजीशन पे कौन है, E एंड N, यानी कि RT साइड के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी, EN साइड। तो यहाँ पर हमने लिखा RT इज इक्वल टू EN। अब हमें PN साइड के कोरस्पोंडिंग साइड देखनी है। देखिए PN फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर, PN के कोरस्पोंडिंग इस ट्रायंगल में क्या है, ANT। देखिए फर्स्ट लेटर A है और थर्ड लेटर T है, तो PN के कोरस्पोंडिंग होगा AT। तो यहां पर हमने लिखा PN इज इक्वल टू AT। ये हमारा आंसर तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाए। देखिए ये एंगल T और ये एंगल N हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है, और हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, साइड एंगल साइड का, यानी कि इस क्राइटेरिया में अगर आप ध्यान दें तो ये जो एंगल होता है ये इंक्लूडेड एंगल होता है दो साइड्स के बीच वाला एंगल।
तो अगर हमें ये एंगल और ये एंगल आपस में गिवन है, ठीक है, और हम यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करना चाहते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल कौन सी दो साइड्स के बीच में है। देखिए, एटी साइड और आरटी साइड के बीच में है, और यहाँ पर जो एन एंगल है, ये जो एंगल एन है, ये कौन सी दो साइड्स के बीच में है, पीएन साइड और ईएन साइड के बीच में है। और हमें यहाँ पर देखना है कि आर टी के इक्वल कौन सी साइड होगी, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि जो पोजीशन यहाँ पर आर टी की है, वही पोजीशन यहाँ पर ई एन साइड की है, यानी ये दोनों साइड्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर आप आर टी के इक्वल रखेंगे ई एन। ये मेथड जो हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप डायग्राम का यूज करते हैं। इससे पहले जो मेथड हमने बताया था, वो आपने यहाँ ट्राइंगल्स के जो ये नेम गिवन थे, आपने उनके ऑर्डर को चेक किया था कि किस सीक्वेंस में इनके नाम लिखे गए हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि आरटी और ई एन कॉरस्पॉन्डिंग है, और उसके बाद इसी वजह से हमने इन दोनों को यहाँ पर इक्वल रखा। इसके बाद हमें चेक करना है पी एन के इक्वल कौन सी साइड होगी। देखिए, ये पी एन साइड है, जो पोजीशन इस ट्राइंगल में पी एन साइड की है, वही पोजीशन इस ट्राइंगल में ए टी साइड की है, तो पी एन के इक्वल कौन होगा, ए टी। यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, देखिए, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। साइड एंगल साइड, यानी इस ट्राइंगल की ये साइड, ये एंगल और ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड, इस एंगल और इस साइड के कोरस्पोंडिंग है, और आपस में इक्वल भी हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको बोलने का एक तरीका और भी होता है स्टूडेंट्स, कि ये दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिसमें कि दो कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं, और उन दो कोरस्पोंडिंग साइड्स के इंक्लूडेड एंगल्स भी आपस में इक्वल है, तभी यहाँ पर साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हुआ है। हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तीन मेथड यहाँ पर आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, तो आप जिस तरीके से आपको इजी लगे, आप उस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सी पार्ट को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें ट्राइंगल ए आर टी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल पी एन के साथ, और सी पार्ट में हमें दिया गया है, इफ इट इज गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन, इस ट्राइंगल की जो ए टी साइड है हमें इक्वल गिवन है इस ट्राइंगल की पी एन साइड के साथ, एंड यू आर टू यूज ए एस ए क्राइटेरिया, यानी हमें ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करना है, यू नीड टू हैव, और इसके बाद हमें कुछ भी गिवन नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली साइड ए टी साइड इस साइड यानी पी एन साइड के इक्वल गिवन है, और हमें क्राइटेरिया यूज करना है एंगल साइड एंगल, यानी ये जो साइड होगी ये इंक्लूडेड साइड होगी दो एंगल्स के बीच वाली साइड। तो ये साइड कौन से दो एंगल्स के बीच में आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एंगल ए और एंगल टी के बीच वाली साइड है। ऐसे ही जो पी एन साइड है ये भी इंक्लूडेड साइड होगी, तो ये कौन से दो एंगल्स के बीच में आएगी, एंगल पी और एंगल एन के बीच में। अब हमें चेक करना है स्टूडेंट्स कि एंगल ए के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, और एंगल टी के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर कौन सा एंगल होगा। हम क्लियरली चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो पोजीशन यहाँ पर एंगल ए की है, वही पोजीशन यहाँ पर एंगल पी की है, तो एंगल ए और एंगल पी आपस में कोरस्पोंडिंग है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और जो पोजीशन यहाँ पर एंगल टी की है, वही पोजीशन यहाँ पर एंगल एन की है, तो एंगल टी और एंगल एन भी आपस में कोरस्पोंडिंग है, तो एंगल टी इज इक्वल टू होगा एंगल एन के। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनकी दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, और इंक्लूडेड साइड भी आपस में इक्वल है। देखिए, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल टी एंगल एन के इक्वल है, और ये ए टी साइड और पी एन साइड, यानी कि ये वाली ए टी साइड और ये पी एन साइड भी हमें इक्वल गिवन है, तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, एंगल साइड एंगल, और एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।